इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हम इस क्वेश्चन को कैसे विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यह है कि यक्स प्लस वन बाई यक्स इजक्वल टू थ्री, तो यक्स की पावर 5 प्लस वन बाई यक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे विद इन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं वो भी बिना पेन और कॉपी के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यक्स की पावर 5 है, तो दोस्तों 5 जो होता है वह है 3 और 2 का सम होता है। दोस्तों 3 और 2 का सम क्या होता है, 5 होता है। अब हम यहाँ से 3 से 3 को लेते हैं तो 3 से हो जाएगा यक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 3, ये हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 2 से हो जाएगा यक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 2, ये हो गया दोस्तों यक्स की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, यक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 3 और यक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 2 को दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद क्या है, जो दिया है उसको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 5 का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम निकालते हैं। तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में हमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यक्स की पावर यक्स प्लस 1 बाई यक्स इक्वल टू 3 है तो यक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 3 कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरी वीडियो को आप लोग जाके मेरे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए यक्स प्लस 1 बाई यक्स इक्वल टू अगर 3 है तो देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1 है और यहाँ पर पावर क्या है, 3 है। जब भी पावर 1 से क्या हो, 3 हो, तो जो दिया है उसको क्या कर लेते हैं, जो दिया रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके पावर 3 कर लेते हैं, 3। इसके बाद आगे क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया तो इसके अपोजिट लेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 3 गुणे जो दिया है, दिया क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया, इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा, हो जाएगा कोष्ट बंद, इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद गुणा करना है, क्रॉस लगा लेंगे। इसके बाद अब हम निकालना है कि यक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई यक्स की पावर 2 क्या होगा। तो दोस्तों अगर यक्स प्लस 1 बाई यक्स इक्वल टू 3 है तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। जब भी पावर 1 से 2 होगा तो जो दिया है उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम लेंगे, यहाँ पर देखें अगर प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। माइनस लेने के बाद पावर क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है तो हम यहाँ पर -2 घटा लेंगे। -2 घटाने के बाद कोष्टक बंद हो जाएगा और इसके बाद -3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 पावर 3 27, इस साइड में कर लेते हैं हम, यह हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा, 27 माइनस 3 3 का 9, 9 हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद गुणा, और इसके बाद 3 की पावर 2 माइनस 2, मतलब 3 3 का 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 हो जाएगा और माइनस क्या है, 3 है। तो ये 27 में से 9 जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 गुणे 7 माइनस माइनस 3, 18 7 126 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 123। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों।